मीडिया में एंकर ही है जो देश की बात जनता के सामने रखता है अपनी डिबेट या शो के जरिए। आइए आज हम कुछ एंकर्स की डिबेट या शो देखेंगे कि उन्होंने पिछले 5 दिन में अपनी डिबेट में कौन से मुद्दों को तवज्जो दी। पहले बात करते हैं एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, कश्मीर को लोकतंत्र चाहिए, आइए बात कीजिए। दूसरा, कमाई घटी तो बचत घटी, कश्मीर पर बात पड़ी। तीसरा, यूएपीए का अफसाना, फनसाना, डराना और सताना। चौथा, सुस्त हुआ टीका अभियान, चुस्त हुआ कश्मीर का सवाल। और पांचवा, देर से फिर भी भारत में पूरा वैक्सीनेशन मुफ्त क्यों नहीं। रवीश अक्सर अपनी डिबेट में जरूरी मुद्दे ही उठाते हैं। इस बार भी अपनी डिबेट में कोरोना महामारी की वजह से आम आदमी की कमाई कम होना और खर्च बढ़ने को लेकर चिंता जाहिर की और सरकार से उन्होंने कुछ सवाल भी किए। बहुत बड़ी लकीर के सामने छोटी लकीर खींचकर उसे बड़ा बताने की कोशिश देख भी रहा हूं, सुन भी रहा हूं। नमूने के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड की 2 खबरों को यहां पेश करता हूं। लोग भविष्य के लिए रखी गई जमा पूंजी को तोड़कर घर चलाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसी अखबार में यह दूसरी खबर है, विदेशी निवेश में वृद्धि की खबर। यह खबर वित्त मंत्री की आंख का तारा बन जाती है। आज सुबह 9:20 पर निर्मला सीतारमण सबसे पहले इसी को ट्वीट करती हैं। इन उदाहरणों से कवि यह कहना चाहता है कि आबादी का बड़ा हिस्सा जमा पूंजी निकाल रहा है, उसकी बचत घट रही है, ये पहली खबर होनी चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति ने स्कूटर खरीदा है, ऐसी खबर को वित्त मंत्री पहली खबर के रूप में ट्वीट करती है। पत्रकारिता के क्लास में इसे बैड एडिटोरियल जजमेंट कहते हैं। डू यू गेट माई पॉइंट? भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि महामारी के इस दौर में लोगों की घरेलू बचत पर बहुत बुरा असर पड़ा है। अब बात करते हैं न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की और जानेंगे उन्होंने किन मुद्दों को जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, 1975 में घोषित इमरजेंसी, आज अघोषित इमरजेंसी। दूसरा, क्या किसान आंदोलन राजनीतिक बनता जा रहा है। तीसरा, मोदी की कश्मीर क्रांति 2.0, मोदी के कश्मीर मंथन से अमृत निकलेगा। चौथा, कब तक सहे पेट्रोल डीजल की मार। और पांचवा, 86 लाख एक दिन में तो रोज क्यों नहीं। संदीप अक्सर जरूरी मुद्दों पर डिबेट करते हैं। इस बार संदीप ने अपनी डिबेट किसान आंदोलन के मुद्दे पर की और बीजेपी नेता से इसको लेकर सवाल भी किए। अभी खरीफ के 13 फसलों के लिए MSP में इजाफा हुआ, उसमें इजाफा कितना हुआ, 1.08% मक्का में, मैक्सिमम एक दाल में 6.59%, कुल मिलाकर 3% का इजाफा। जबकि महंगाई दर, और आप तो इकोनॉमिस्ट हैं, महंगाई दर चल रही है 6.5% की, तो किसानों को कितना अच्छा दाम मिल गया, थोड़ा इसके बारे में बताइए ना संजू। एवरेज इन्फ्लेशन कितना पिछले 7 सालों का, एवरेज इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन, अभी का इन्फ्लेशन की बात हो रही है, खरीफ सीजन के दाम बढ़े हैं, आपका आंकड़ा मान लेता हूँ, और उस पर बल्ले बल्ले हो गया किसान। आपकी प्रॉब्लम क्या है बताओ। नहीं, मेरी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्या करेंगे उनका। आपको आंकड़े समझ नहीं आते। अच्छा, ना ना ना, मुझे बिल्कुल आंकड़े समझ नहीं। मुझे बताइए आंकड़ों की ज्ञाता आप। किसानों के लिए क्या किया, अरे आप सुनिए, अभी अपना एजेंडा चलाना बंद करिए। अब बात गोदी मीडिया के एंकर की करते हैं और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को तवज्जो दी। पहले बात करते हैं न्यूज 18 के पत्रकार रमेश देवगन की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को देश के लिए जरूरी समझा। पहला, कश्मीर से लेकर यूपी चुनाव तक जोरदार बहस, सलमान खुर्शीद वर्सेस संबित पात्रा। दूसरा, पीएम मोदी का मिशन कश्मीर 2.0, कश्मीर से 370 हटाने से आया कौन सा बदलाव। तीसरा, श्वेत पत्र का सियासी सत्र, राहुल गांधी ने सियासत में खेला नया दांव। चौथा, धर्मांतरण एजेंडा या प्रोपेगेंडा, धर्मांतरण फिर तेज हुआ सियासी संग्राम। और पांचवा, ट्विटर पर कानूनी काज, देश में आजादी के बहाने मनमानी क्यों। कोरोना के बाद देश में बड़ा मुद्दा महंगाई है, इस पर डिबेट करने की बजाय अमीश ने अपनी डिबेट में वैक्सीनेशन के मुद्दे पर राहुल गांधी से ही सवाल करते नजर आए। 21 जून को भारत में वैक्सीनेशन का विश्व रिकॉर्ड बना, मात्र 24 घंटे के भीतर 86 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। लेकिन इस विश्व रिकॉर्ड के मात्र 12 घंटे के भीतर सियासत में भी एक रिकॉर्ड बन गया। आपने अक्सर देखा होगा कि इकोनॉमी के मुद्दे पर या किसी दूसरे बड़े मुद्दे पर विपक्ष सरकार से व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र की मांग करता है। ये श्वेत पत्र असल में किसी अहम मुद्दे पर सरकार की ओर से आधिकारिक सार्वजनिक बयान होता है, जिसमें सिलसिलेवार आंकड़े और तथ्य पेश किए जाते हैं, तथ्यों का जमावड़ा होता है। लेकिन आज श्रीमान राहुल गांधी कोरोना पर श्वेत पत्र लेकर आए। इस श्वेत पत्र की पैकेजिंग ऐसी थी जैसे राहुल गांधी सरकार को सुझाव दे रहे हैं।
लेकिन असल में श्वेत पत्र के भीतर 100% सियासत छिपी थी, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के भावुक होने पर बड़ा तंज कसा, सरकार पर आरोपों और हमलों की झड़ी लगा दी और एक तरह से कोरोना के मुद्दे पर मोदी सरकार को फेल करार कर दिया। अब बात करते हैं रिपब्लिक भारत के पत्रकार ऐश्वर्या कपूर की और जानेंगे उन्होंने किन मुद्दों को जनता के लिए जरूरी समझा। उमर जहांगीर मोहरा, कौन असली आका? दूसरा, देश में धर्मांतरण गैंग के अधर्म पर सेक्युलर गैंग चुप क्यों? तीसरा, कश्मीर पर मोदी के महामंथन से दुश्मनों की बोलती बंद? चौथा, जब आतंक के हेडक्वार्टर पर हुआ आतंकी हमला? और पांचवा, जबरन धर्मांतरण के कितने दलाल? ऐश्वर्या ने अपनी ज्यादातर डिबेट धर्मांतरण के मुद्दे पर की। इसके अलावा जो अन्य मुद्दे हैं जैसे कि किसान आंदोलन, बढ़ती महंगाई, इन मुद्दों को पिछले हफ्ते वह नजरअंदाज करती दिखाई थी। और दोस्तों, धर्मांतरण रैकेट में हर दिन नई नई कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। ये रैकेट कल किसी और ने नहीं लेकिन उत्तर प्रदेश के उच्चतम अधिकारियों में से एक अवनीश अवस्थी ने कहा कि टेरर एंगल को नकार नहीं सकते, तो हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब धर्मांतरण में विदेशी फेलोशिप की बात सामने आ गई है। अधर्म के जाल में फंसाए गए बच्चों के अकाउंट में विदेशी फेलोशिप के नाम पर 10,000 से 50,000 रुपए तक ट्रांसफर किए जा रहे थे। धर्मांतरण रैकेट में आतंकी कनेक्शन की बात तो मैंने आपको बताई कि कल किसी और ने नहीं अवनीश अवस्थी ने कहा कि भाई जिस तरह की पढ़ने की सामग्री यानी जिस तरह की किताबें, जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स इनसे मिले हैं, आतंकी एंगल को, टेरर एंगल को नकारा नहीं जा सकता है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी अब एक्टिव हो गई है यानी NIA। धर्मांतरण के तार कैसे एक राज्य से होते हुए 24 राज्यों तक फैल गए हैं। आपने अब खुद ही देखा कौन किन मुद्दों को आपके लिए जरूरी समझता है। मोदी मीडिया ना ही सवाल पूछता है ना ही आप तक अधिक जानकारी पहुंचाता है, लेकिन हम सही और ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।